पांडे को तुम्हारे कंचु मुद्दा उठाया है। एक समय था हम एक फिल्म थी एसोसिएट था उसमें बवंडर एक फिल्म थी। उस समय जब हम फिल्म बनाते थे तो P&A का कोई बजट नहीं होता, सिर्फ फिल्म की प्रोडक्शन कॉस्ट होती थी। अपने आप डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलते थे, जो श्याम मेनेगल जी और इन लोगों ने जो मूवमेंट चलाया था, बड़ी आसानी से फिल्में रिलीज होती थी। लेकिन वक्त के साथ सिनेरियो चेंज हो गया, अब फिल्म आर्ट कम और कमर्शियल ज़्यादा हो गया। तो आज के समय में जितनी प्रोडक्शन कॉस्ट है उतना ही आपको P&A सोचना पड़ रहा है। और इतना बड़ा इश्यू है ये कि अच्छी फिल्म बनाने के बाद सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके पास स्टार पावर नहीं है तो ऑडियंस बिल्कुल नहीं आती। इसलिए ऐसे मुद्दों पे फिल्म बनाने वालों की मजबूरी है कि स्टार्स लाएं, लेकिन उसके लिए फिर बजट बहुत बड़ा हो जाता है। आप किसी प्रोड्यूसर से फाइनेंसर से बात कीजिए तो कहने के बारे में नहीं पूछेगा, सबसे पहले पूछते हैं आपके पास कौन है, किसको ला सकते हैं। आपने नाम बताया इसको ला सकते हैं तो बोलेगा नहीं वो नहीं, वो बेटर है, चलिए उसको भी ले आए। उसको ले आए उसके बाद सब कुछ होने के बाद पूछा जाता है कि फिल्म की कहानी क्या है। तो ये मुद्दा जो इन्होंने उठाया इतना अच्छा मुद्दा है और मैं चाहता हूँ आपको सफलता मिले और हम लोग इसके साथ हैं और अच्छी फिल्म, क्योंकि मैं हमेशा मीनिंगफुल सिनेमा फिल्म विद एंटरटेनमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आप एकदम ड्राई फिल्म भी नहीं बना सकते क्योंकि ऑडियंस को बैठाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अच्छी स्क्रिप्ट लिखी जाए, अच्छे मेकर्स हमेशा एक कॉम्बिनेशन बना के रखते हैं, जैसे गुलजार साहब ने किया, एक मुद्दा भी उठाते थे और फिल्म आपको बांध के भी रखती थी। मैं चाहता हूँ ये मोमेंट चले और आई विश यू ऑल द बेस्ट। सब चूहे बन गए शेर बनने के बजाय, क्योंकि हम सब रैट रेस में लगे, माँ बाप रैट रेस में लगे हुए हैं पैसे कमाने के लिए, और उसी रैट रेस में वो अपने बच्चों को भी डाल रहे हैं कि तुम अव्वल आओ, फर्स्ट क्लास आओ, ये करो, इतना कमाओ। ये जो रैट रेस का जो सिलसिला है ये एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से पूरी सोसाइटी, पूरा परिवार डिस्टर्ब है, बच्चे डिस्टर्ब है और डिप्रेशन है, क्योंकि हर आदमी नंबर वन नहीं बन सकता। इस वजह से जो डिप्रेशन है बच्चों के अंदर और सेंस ऑफ फेलियर उनको जो आ जाता है, इसकी वजह से सोसाइटी की टेंडेंसी बढ़ जाती है। सो आई थिंक हम सबको इस रैट रेस से बाहर आना चाहिए ताकि ज़िंदगी में सुकून हो। हर एक का अपना अपना एक मकाम है, हर आदमी की अपनी अपनी एक जगह है, उसमें उससे सेटिस्फाइड रहना चाहिए, उस बच्चे को सेटिस्फाइड रहना चाहिए, पेरेंट्स को सेटिस्फाइड रहना चाहिए। आई थिंक वी शुडंट बी ए पार्ट ऑफ दिस रैट रेस सो दैट वी कैन बी हैप्पी। ओके, थैंक यू।